देख रहे हो, ये देखिए ये रही सही हरकी पौड़ी से थोड़ा सा दूर। अगर आप लोग कभी यहाँ पे आना चाहो, इसके लोकेशन सामने से हम लोग आ सकते हो। और दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है, जय गंगे माता। आज 27 अक्टूबर का दिन है, फिर से एक बार हरिद्वार से एक नई वीडियो के साथ हम पहुँच चुके हैं आप लोगों के लिए माँ गंगा जी के दर्शन कराने के लिए, साथ में हरिद्वार की अपडेट देने के लिए। तो दोस्तों आज सबसे पहले आप अपना जो व्लॉग हो चुका है शूट, वो हो चुका है सुभाष वाले घाट से हरिद्वार से। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, अभी फ़िलहाल गंगा जी का जल कम करके रखा है पूरी तरीके से घाट पर, सफाई की वजह से हरिद्वार में गंगा जी का जल पूरी तरीके से कम करके रखा है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग सोना चांदी सिक्के ढूंढते हुए नज़र आ रहे होंगे तुम्हें, पूरे सामने तक आप लोग देख सकते हो इस घाट पे। ये देखिएगा काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे जो गंगा जी से सोना चांदी ढूंढते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। ये देखिएगा पूरी तरीके से ये घाट पे आज काफ़ी ज़्यादा हमें इसी तरह के लोग नज़र आ रहे हैं जो माँ गंगा जी में भाई सिक्के और सोना या अन्य चीज़ जो भी इनको अन्य सामान अन्य धातु जो भी मिलता है तो वही हमें नज़र आ रहे हैं। ये देखिएगा दोस्तों इस तरह से कॉइन निकालते थे, ये देखिएगा, ये देखो किस तरह से गंगा जी से कॉइन निकाले जाते हैं या सिक्के, देख रहे हो छोटे छोटे, देख रहे हो भाई ने इतने सारे निकाल के रख दिए, देख रहे हो। ये देखिए ये सुबह से लगे रहते पूरी तरीके से घाट पर, ज़्यादातर आपको अभी गंगा जी का जल कम है ना, तो सारे ज़्यादातर लोग इसी तरह से सिक्के वगैरह ढूंढते हुए नज़र आएंगे। ये देखिए, ये देखिएगा दोस्तों अभी हम पहुँच चुके गंगा जी की बड़ी वाली धारा की तरफ। ये देखिएगा, देख रहे हो, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ा बहुत जो शाम के समय जल आता है वही बीच में थोड़ा बहुत रुका रहता है, इसी जल में लोगों को स्नान करना पड़ता है ज़्यादातर, जो लोग भी स्नान करने के लिए जाते हैं। लेकिन आप लोग देख सकते हो शाम में भी काफ़ी ज़्यादा लोग गए गंगा जी में स्नान करने के लिए, देख रहे हो। ये देखिएगा कितनी ज़्यादा भीड़ लगी वहाँ पर, देखिएगा काफ़ी ज़्यादा भीड़ है सामने वाले घाट पर, जबकि इतना कम जल है ना फिर भी श्रद्धालुओं को देख सकते हो। ये देखिएगा, देख रहे हो, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी लगी है सामने घाट पर स्नान करने वाले लोगों की, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। बट इस तरफ ज़्यादा जल नहीं है ये इस तरफ की। ये देखिएगा दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं सीधे नाई घाट पर, और आप लोग देख सकते हो कितना कम जल है दोस्तों, और इसी जल में लोग माँ गंगा जी में स्नान करते हुए नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को। ये देख सकते हो बस कुछ ही दिन बाकी है दोस्तों, आज से 3 या 4 दिन के बाद पूरी तरीके से आपको गंगा जी का जल देखने को मिलेगा घाट पर। जैसे दीपावली आएगी छोटी, तो उसी समय आपको पूरी तरीके से माँ गंगा जी का जल नज़र आएगा घाट पर। तो अभी आप लोग देख सकते हो ये रहे नाई वाले घाट के नज़ारे, और देखते हैं अभी हर की पौड़ी पर किस तरह की स्थिति बनी है गंगा जी को लेकर और भीड़ को लेकर। वहाँ भी चलेंगे, वहाँ के भी आप लोगों को दर्शन कराएंगे, हमारे साथ बने रहेगा लास्ट तक। और वीडियो को जितने लोगों ने भी लाइक नहीं किया अभी तक ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हरिद्वार की ऐसी रेगुलर वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो चलते हैं हर की पौड़ी की ओर, वहाँ के भी दर्शन कराते हैं, नज़ारे देखते हैं, वहाँ पे गंगा जी का जल इस तरह आपको दिखाते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ हमें बड़े बड़े पत्थर ही नज़र आ रहे हैं, ये देख सकते हो। अभी हम पहुँच चुके हैं जस्ट नाई घाट पर, आप लोग देख रहे होंगे कि नाई घाट पर किस तरह से लोगों ने गंदगी फैला रखी है, देख रहे हो, ये देख किस तरह से लोग पन्नी पॉलिथीन का उपयोग करते हैं और घाट के किनारे ही छोड़ देते हैं। आप लोगों को मैं अपनी हर वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ कि घाट के किनारे इस तरह से पन्नी पॉलिथीन और ना अपने कपड़े छोड़ें, इनको डस्टबिन में ज़रूर डालेगा, इन चीज़ों का आप लोग ध्यान अवश्य रखिएगा अपने दिमाग के माध्यम से। तो अभी चलते हैं आप हर की पौड़ी की ओर भी, वहाँ के भी आपको दर्शन कराएंगे, नज़ारे दिखाएंगे। देख सकते हो गंगा जी के जल को रोकने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह का ब्रिज बना रखा है, यानी कि एक डैम जैसा, जिससे गंगा जी के जल को रोका जाए और लोगों को स्नान करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख सकते हो, ये देखिएगा इन कट्टों में छोटे छोटे पत्थर या रेत भर के रखा है और उसी के सहारे गंगा जी के जल को रोका गया है, देख रहे हो, ये देख सकते हो। और ये जो जल इकट्ठा हो रहा है उसी के चलते लोगों को स्नान करने के लिए जल मिल पा रहा है हर की पौड़ी। ये देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा कबाड़ा निकल रहा है गंगा जी से, देख रहे हो, ये देखिए कितना ज़्यादा निकल रहा है, देख रहे हो, ये देखिए
जो लोग कपड़े डाल देते हैं गंगा जी में और वो कपड़े गंगा जी से निकाल के इस तरह से रखे हुए हैं, और ये गंगा जी से सफाई की जाती है ना जब, तब ये कपड़े पूरी तरीके से निकाल दिए जाते हैं। देख रहे हो आप लोग, देख सकते हो पूरी तरीके से घाट के किनारे इस तरह के आपको कपड़े ज़्यादातर मिलेंगे, और गंगा जी अब क्लियर नज़र आ रही है, एक तरह से सफाई हो चुकी है ना। जितने भी कपड़े फंसे हुए थे घाट के बीच में पूरे निकाल दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से, यह देखिएगा। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सीधे ब्रह्मकुंड घाट पर, हर की पौड़ी पे आप लोग देख सकते हो, और आज कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत भीड़ नज़र आ रही है क्योंकि संडे का दिन है, उसी के चलते लोगों की भीड़ हमें नज़र आ रही है घाट पर। आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से सामने ही माँ गंगा जी की आरती होती है, और ये रहा अस्थि प्रभाव घाट जो आपको नज़र आ रहा होगा सामने, यहाँ पे अस्थि प्रभाव घाट है, और ये देखिएगा संडे के दिन भीड़ देख सकते हो आप लोग पूरी तरीके से। सामने आपको घंटा घर घाट पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है, श्रद्धालु नज़र आ रहेंगे, और गंगा जी का जल रोकने का फ़ायदा यही है। देख रहे हो, ये देखिए लोगों को स्नान करने के लिए जल मिल पा रहा है, नहीं तो अगर ये सामने से इस तरह से गंगा जी के जल को नहीं रोका जाता ना, तो हर की पौड़ी पे आप भी आप लोगों को इतना जल देखने को नहीं मिलता। बट ये है कि जल रोकने का फ़ायदा ये तो हुआ, लोग आसानी से डुबकी लगा पा रहे हैं माँ गंगा जी में। आप लोग देख रहे हो, ये देखिएगा, देख सकते हो आसानी से डुबकी लगा पा रहे हैं। तो अभी चलते हैं एक बार सामने वाले घाट पे, एक बार वहाँ पे देखते हैं कि गंगा जी का जल स्तर इस घाट पर कितना ज़्यादा है। ले चलते हैं आपके सामने वाले घाट पे, वहाँ के नज़ारे और दर्शन दिखाते हैं। चलिए तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके सीधे महिला घाट पर, सामने आपको महिला वाला घाट नज़र आ रहा होगा। देख रहे हो, ये देखिएगा ये सामने रहा महिला वाला घाट, वहाँ पर भी बहुत ही कम जल है। देख रहे हो, ये देखिए काफ़ी कम जल है सामने वाले घाट पर, बट मालवी घाट पर ज़्यादा जल है जिस घाट पर हम खड़े हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक तरफ से जल है आपको नज़र आ रहा होगा, और ज़्यादातर लोग आज हमें इसी घाट पर स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सामने बड़ी वाली जो गंगा जी की धारा वहाँ तो लोग नहीं गए हैं, बट इस घाट पर ज़्यादा लोग हैं। देख रहे हो, ये देखिए सामने भी आपको नज़र आ रहे होंगे गंगा जी में स्नान करते हुए। ये देख रहे हो, ये देखिएगा सामने वाले घाट पर भी, दिखाता एक बार आपको इस तरफ के व्यू और इस तरफ के नज़ारे, यहाँ पर किस तरह का माहौल बना हुआ है। देखिए चलिएगा, ले चलते हैं इस घाट की। ये देख सकते हो अभी पहुंच चुके गंगा जी की बड़ी वाली धारा की तरफ, और अब आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जल कितना है कितना नहीं है, आप लोग पूरी तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो। देख रहे हो दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल भी एक तरह से जल नहीं है घाट पर, पूरी तरीके से कम कर दिया गया है गंगा जी का जल, आपको नज़र ही आ रहा होगा। देख रहे हो, ये देखिएगा सामने बड़ी वाली गंगा जी की धारा की तरफ तो है ही नहीं गंगा जी का जल, बस इस रेलिंग पर लोगों ने कपड़े डालना शुरू कर दिया। देख रहे हो, ये देखिए, ये देखो भाई पूरी तरीके से गंगा जी के किनारे इस तरह से लोगों ने कपड़े डालना स्टार्ट कर दिया, जो कि ये नहीं करना चाहिए। ये कोई धोबी घाट नहीं है कि आप लोग ऐसे तरह से कपड़े डाल दो, ये पवित्र स्थान है, यहाँ आप गंगा जी में आइए स्नान करिएगा, धार्मिक स्थल है, ना कि इस तरह के आप लोग कपड़े डाले, ये कपड़े धोए गंगा जी में कपड़े पहन के जाए, तो ये कभी भी नहीं करने चाहिए आप लोगों को। इन बातों का ध्यान आप लोग थोड़ा सा अवश्य रखिएगा दोस्तों। तो चलते हैं एक बार थोड़ा सा सामने, वहाँ से देखते हैं एक बार कि बीच में कितना जल है, ठीक है आपको ले चलते हैं सामने की तरफ, वहाँ से भी एक बार दर्शन कराते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों गंगा जी के किनारे अभी आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा कपड़े निकाल के रखे हैं गंगा जी से। देख रहे हो, ये देखिए इतनी ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है गंगा जी की, तभी जाके माँ गंगा जी क्लियर हो पाती है, जब ये सफाई करनी पड़ती है। आप लोग देख रहे हो, ये देखिएगा ये पूरी तरीके से घाट के किनारे कपड़े निकाल के रखे हैं, जो कपड़े आप लोग गंगा जी में डालते हो, तो अगर आप लोग कपड़े डालना गंगा जी में बंद कर दोगे ना, तो ये गंगा जी का जल नहीं रोकने को मिलेगा आपको, बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले के ज़माने में गंगा जी के जल को नहीं रोका जाता था, क्योंकि लोग उस समय के समझदार थे, तो वो गंगा जी में इस तरह से कपड़े नहीं डालते हैं। बट आपके लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देख रहे हो, ये देखिएगा ये लोग कपड़े डालते हैं गंगा जी में और फिर गंगा जी के जल को रोका जाता है, तो इसी के चलते आपको नज़र आ रहा होगा, इसी के चलते ये सफाई की जाती है और इसी के चलते घाट का ये हाल होता है। देख रहे हो, ये देखिएगा, तो आप लोगों को बार बार यही बोलता हूँ कि कपड़े नहीं डालेगा, ठीक है। चलो बार चलते हैं बीच में, वहाँ के एक बार आपको दर्शन कराते हैं नज़ारे। ये देख रहे हो दोस्तों, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि सुबह कहीं ना कहीं गंगा जी का जल था, जैसे दोपहर का वक्त हुआ ना, तो जल पूरी तरीके से कम हो गया। देख रहे हो, ये देखिएगा, ये देख सकते हो यहाँ पर अभी आपको अंदाज़ा आ रहा हो कितना गीला हो रखा। देख रहे हो, ये देखिएगा, ये देखो यहाँ पर पूरा जल था सुबह के समय, ये देख रहे हो, ये देखिएगा, और अभी देख सकते हो आप लोग जल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि दिन में पूरी तरीके से कम हो जाता है गंगा जी का जल, और शाम को थोड़ा बहुत रहता है, फिर उसके चलते ही वो थोड़ा बहुत से सुबह तक रहता है। जैसे दिन का समय होता ना,
इस तरह से पूरी तरीके से यहाँ पे गंगा जी का जल कम हो जाता है, आपको नज़र ही आ रहा होगा। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका बीचों बीच में गंगा जी के, जैसे ही आपको मैंने दिखाया होगा पूरी तरीके से सामने से आ चुके हैं भारतीय पौड़ी वाले घाट से बीचों बीच में माँ गंगा जी के। तो सोचा बीच में जाकर एक बार आपको दर्शन करा दिए जाए कि बीच में कितना ज़्यादा जल है या कितना कम जल है, आपको अपडेट दी जाए। तो अभी मैं हूँ सीधे माँ गंगा जी के मूर्ति के वहाँ पे, जहाँ पे माँ गंगा जी का विकराल रूप आपको देखने को मिलता है। कम से कम 10 से 15 फीट यहाँ पे जल का बहाव रहता होगा, इतना तेज़ बहाव रहता है। यहाँ पे आना तो दूर की बात, मुश्किल है, और यहाँ पे टिकना था मुश्किल है, इतना ज़्यादा बहाव रहता है ना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा। तो उसी मूर्ति के वहाँ पे मैं हूँ, आप लोग देख सकते हो, आपको कराते एक बार माँ गंगा जी की इस मूर्ति के दर्शन, दिखाते हैं कितनी बड़ी ये मूर्ति है बीचों बीच में। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों कितनी बड़ी ये मूर्ति है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। ये देखिएगा काफ़ी ज़्यादा बड़ी ये माँ गंगा जी की मूर्ति है, और इसी के बीचों बीच में अभी हम खड़े हैं, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। ये देखिएगा, और इस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बहाव रहता था, और अभी आप लोग देख सकते हो दूर दूर तक आपको गंगा जी का जल नज़र नहीं आ रहा होगा पूरी तरीके से। देख रहे हो, ये देखिएगा गंगा जी के हर की पौड़ी को पार करके सामने धनुष वाले पुल के सामने, यहाँ से आपको दिखाते हैं के लिए कि यहाँ पे कितना जल है। ये देख सकते हो, ये जल है यहाँ पे, देख रहे हो, ये बस यही जल नज़र आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा बहुत देख रहे हो आप लोग, इतने जल में लोगों को स्नान कर रहे हो सामने, थोड़ा बहुत जल हमें सामने नज़र आ रहा है, और इसी जल में लोगों को स्नान करना पड़ रहा है। लोटे या बाल्टी के सहारे उसी से गंगा जी के डालकर अपने ऊपर उसी से स्नान किया जा रहा है अभी, क्योंकि गंगा जी का जल नहीं है डुबकी लगाने लायक, आप लोग नज़र कर सकते हो। ये देखिए, तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं रेलवे की पटरी के वहाँ पे, आप लोग देख सकते हो ये पटरी आपको नज़र आ रही होगी। तो ये दिखाने के लिए अभी हम घाट से पार पहुँच चुके हैं, आप लोग नज़र कर सकते हो। ये देखिए कितनी पुरानी ये रेलवे लाइन है, कितनी पुरानी ये पटरी है, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। ये देखिएगा, और लोगों ने इस पटरी को भी उखाड़ दिया है भाई, आप लोग देख रहे हो सामने से, पहले पूरी बनी थी ना, ये लोगों ने यहाँ से तोड़ दी है, आपको नज़र आ रहा होगा, देख रहे हो। ये देखिएगा, पहले ये पटरी पूरी थी यहाँ से लेके वहाँ तक, लेकिन सामने से उखाड़ दिया लोगों ने, बस थोड़ी बहुत इतनी रह गई। अब ये भी कुछ दिनों के बाद इसको भी उखाड़ दिया जाएगा पूरी तरीके से। ये देख रहे हो, ये देखिएगा, ये रही सही हर की पौड़ी से थोड़ा सा दूर, अगर आप लोग कभी यहाँ पे आना चाहो इसके लोकेशन सामने से आप लोग आ सकते हो, और ये सामने ही आपको रेलवे की पटरी देखने को मिलेगी, आप लोग देख सकते हो। ये देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पे किस तरह से ये लोग लगे हैं, देख रहे हो, ये देखिएगा, क्योंकि जब जेसीबी या बुलडोजर जब खुदाई करता है ना, तो जो भी निकलता है ना नीचे से, ऐसे में लोगों को ढूंढने में आसानी होती है, क्योंकि ज़मीन के नीचे दब जाता है कोई भी चीज़, ऐसे होते हैं सिक्के या कोई भी ऐसा सामान होता है जो ज़मीन के नीचे दब जाता है, क्योंकि जब गंगा जी का जल आता है तो उसकी वजह से मिट्टी या पत्थर आता है तो उसकी वजह से दब जाता है ना। तो आप लोग देख रहे हो जैसे ही गंगा जी की खुदाई के लिए करते हैं, तो ये लोगों को देख सकते हो। ये देखिएगा, देख रहे हो, ये देखिएगा किस तरह से यहाँ पे लगे हुए हैं, देख रहे हो, ये देखिए। तो दोस्तों आज सभी घाट के दर्शन कराए दिए मैंने आप लोगों को, करते हैं आज के ब्लॉग का ये पे समाप्त। हर हर महादेव, जय महाकाल, हर हर गंगे।